बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वह है क्रिसमस स्पेशल फ्रूट केक। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शुगर 1 कप, 1 कप ही जाएगा मैदा ऑल पर्पस फ्लावर, और इसमें जाएगा 100 ग्राम बटर। यहाँ मैं सॉल्टेड यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1/2 कप एप्पल जूस या फिर ऑरेंज, जो भी आपको आपके पास अवेलेबल हो वो जूस आप 1/2 कप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगी चॉकलेट, थोड़ी मैंने वाइट ली है, थोड़ी मैंने ब्राउन ली है। अगर आपके पास कोई भी घर में मौजूद हो तो थोड़ी या 1/2 कप के करीब वो चॉकलेट ले लेंगे। इसमें जाएंगे, यहाँ पर देखिए पिस्ता है इसमें, पिस्ता और काली किशमिश और हरी किशमिश, ये जाएगी इसमें 1/2 कप। इसके अलावा इसमें जाएंगे ये आलमंड्स रखे हैं मैंने 10 से 12 आलमंड्स, और इसमें भी पिस्ता है, पिस्ते का ज़्यादा यूज़ होगा। और इसमें जाएगा 4 से 5 खजूरें और ये भीगे हुए बादाम 4 से 5। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, इसमें लिए हैं मैंने काजू 8 से 10 काजू हैं और 8 से 10 ही वॉलनट हैं, अखरोट हैं। इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 अंडे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसमें ब्लूबेरी जाएगी, अगर आपके पास हो तो डालें वरना स्किप कर दें। और इसमें जाएगा वनीला एसेंस, सॉल्ट और दालचीनी का पाउडर, जैम जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी जैम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई सी भी कर सकते हैं। और इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून करीब ये लेमन जेस्ट है, नींबू का जो छिलका होता है ऊपर का वो ग्रेट करना है, 1/2 टीस्पून ये जाएगा, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ऑरेंज जेस्ट, ऑरेंज का ऊपर का जो छिलका है वो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फ्रूट केक बनाना। ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए हैं, अब हम काटेंगे खजूरें सीड निकाल के, इन्हें भी मोटा मोटा काट लेना है, 4 से 5 खजूरें लिए और ये बादाम भिगोए हुए। अब एक बाउल लेके इसमें हमने जितने भी काटी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वो डाल दीजिए, चॉकलेट भी डाल दीजिए, ट्रेड्स एंड ऑल, ये देखिए सफ़ेद तिल, ये खाली बोल में मैंने सारे जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल लिए हैं, किशमिश भी डाल देंगे काली और हरी वाली। मैदा 1 टेबल स्पून भर के, एक बोल में 2 अंडे लेंगे, उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखिए 2 अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। तीसरा बोल लिया, उसमें मैंने 100 ग्राम बटर डाला है, सॉल्टेड बटर है, और इसे मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। अब हम इसे डाल देंगे जो हमने ब्राउन शुगर दी थी, ये देखिए ये पोल हम इसमें डाल देंगे और अच्छे दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे
मैदा हमने बीट किया था ये हम इसमें डाल देंगे। डालेंगे हम मैदा 1 कप के करीब और इसमें ही 1 टीस्पून बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। इसको अच्छे से छान लेंगे। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। इसमें जाएगा जेस्ट छिड़का नींबू का और ऑरेंज का। इसमें जाएगा पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें जाएगा वैनिला एसेंस 1 टीस्पून। इसमें जाएगा जूस, एप्पल जूस डाल रही हूँ मैं 1/2 कप और जैम जाएंगे 2 टेबल स्पून कोई सा भी मिक्स जैम। देखिए 1 और ये 2। ये सब अच्छे से कर लेना है मिक्स इन सब चीज़ों को। अपन को प्री हीट कर लीजिए 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए। उसे क्लीन कर लीजिए एजेस इसके और इसको ओवन में रखेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 40 से 45 मिनट के लिए प्रीहीटेड ओवन में।